वेलकम टू माई चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोटापे से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, स्पेशली घर में जो बैठी औरतें होती हैं, घर में ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती हैं और लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं बॉडी को एक्सरसाइज फॉर्म में लाने के लिए, इतना टाइम भी नहीं होता। तो औरतें घर में बैठे बैठे वो वेट पुट ऑन कर लेती हैं और उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मेंस में जो ज़्यादा मशक्क़त वाले काम नहीं करते और खाना हम वो खाते हैं जो बहुत फैट फुल ऑफ होता है, फाइबर जिसमें कम होता है, और एक्सरसाइज और फिजिकल जो है वो हम बहुत कम करते हैं। यही रीज़न है कि आपका वेट पुट ऑन हो जाता है और बाद में वो स्टबर्न फैट बन के बेली में घुस जाता है, बॉडी पार्ट्स में रहता है जिससे वो निकलता नहीं है, और फिर 100 जतन करने के बाद में वो कहीं जाकर निकलता है और तब तक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो क्यों ना आप ऐसा कुछ करें कि स्टार्टिंग से ही आप टोन्ड रहें और ये प्रॉब्लम्स नहीं आए पहले से ही। तो आपको क्या करना होगा, पुराने ज़माने में जो औरतें थी वो कॉर्सेट पहना करती थी ब्यूटीफाई करने के लिए अपने आप को, और वो उनका ये एक सिंबल था, ये कह लीजिए कि पतली जितनी कमर होगी उतनी खूबसूरत वो नज़र आएंगी, ये उनका मानना था। और इसको करने के लिए वो कॉर्सेट पहना करती थी। कॉर्सेट आज भी के ज़माने में भी है, इसे कॉर्सेट बोला जाता है, और ये इस तरीके से टाइट कर देता है आपकी बेली को कि आपका जो फिगर है, जो पेट है, वो आपका बाहर नहीं आता। लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते थे इसमें, और इसमें बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं बॉडी को इस तरीके से करने से। आपकी हड्डियाँ इस तरह से खुद ब खुद, जब आप ये कॉर्सेट पहन के रखते हैं ऑल द टाइम, तो आपकी हड्डियाँ खुद ब खुद उसी शेप में आना शुरू हो जाती हैं और बॉडी वैसे ही बनना शुरू हो जाती है। इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं है जैसे कि पहले की औरतें लिया करती थी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें करती थी, और स्पेशली ये उनके टॉप लिस्ट में रहता था कि कॉर्सेट की लाइक फॉर्म में होनी चाहिए हर ड्रेस, हर ड्रेस में कॉर्सेट होना ही चाहिए, चाहे वो फ्रॉक है, चाहे उनका स्पेशली वो तो फ्रॉक्स ही पहनते थे लंबे। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इस तरीके से उनका बॉडी फॉर्म हो जाता है अगर आप कॉर्सेट पहनते हैं। तो धीरे 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 आपकी जो हड्डियाँ हैं वो एक पतले शेप में आना शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये बहुत डेंजर रहता है, ठीक है ना। तो आपको वो बहुत ज़्यादा टाइट पहना करती थी पहले ज़माने में, बहुत ज़्यादा टाइट पहनती थी, और उससे रिस्क बहुत ज़्यादा होता था कि बॉडी प्रॉब्लम्स आने के लिए, ठीक है ना। तो हमें इतना भी पतला नहीं चाहिए जितना कि इन्होंने, आप फोटो में देख सकते हैं कि ये पहले किया करती थी। हमें चाहिए नॉर्मल बेली, ठीक है ना, नॉर्मल जो होती है हमारी नॉर्मल, कि बस वो पेट बाहर ना आए, बुरा ना दिखे, इतना हमें चाहिए। तो आज के ज़माने में भी कॉर्सेट आते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, कॉर्सेट बोलते हैं इन्हें, लाइट होते हैं, इतना टाइट नहीं होते। आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि कितना आप उसे टाइट करना चाहते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को एक शेप में लेके आते हैं, ठीक है ना, आपकी बॉडी को शेप में लेके आते हैं। जिनको आदत नहीं है, थोड़ा अजीब अनकंफर्टेबल लगेगा पहनने के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे 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 करके आपको आदत हो जाएगी। तो आपको एक मैं ये कह लीजिए बेल्ट्स भी आती हैं जो आपके फैट को गलाती हैं, अगर आपने देखा होगा तो मेल्टिंग बेल्ट्स भी आती हैं और वो आपके फैट को गलाती हैं और पसीने के फॉर्म में बाहर निकालती हैं। तो वो भी आप ले सकते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं, मार्केट में ऑनलाइन पे आप इसे परचेज कर सकते हैं, और जब आपका फैट गलेगा, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। स्टबर्न होता है, एकदम से नहीं निकलता है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये करते 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 आप विद इन 3 मंथ्स आप ये करके देखेंगे, 3 मंथ्स में बहुत फर्क पड़ जाएगा। और सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी और भी चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत अच्छी कारगर साबित होंगी आपके लिए, और आपका वेट जो है, आपको डाइटिंग वाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ही ऑयली फैटी चीज़ें खा रहे हैं और वो सब कुछ खा रहे हैं, तो वो तो आपकी सिर्फ फैट नहीं बढ़ाती, फैट बढ़ता है तो बॉडी प्रॉब्लम सबसे पहले आती हैं। आपकी बॉडी को टोन होना बहुत ज़रूरी है अगर एनर्जेटिक रहना है तो। अगर नहीं आप टोन रखेंगे तो सिर्फ मोटापा नहीं, आपको मोटापे के साथ साथ बहुत गिफ्ट में बहुत सारी बीमारियां भी मिलेंगी, और फिर उन बीमारियों से लड़ने के लिए आपको दवाइयां खानी पड़ेंगी एलोपैथिक, और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं।
तो आप पहले से ही अगर प्रिकॉशनरी रहेंगे तो आप बच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कॉर्सेट आप खरीद सकते हैं और उसे स्टार्टिंग में आधा घंटा पहनना, 1 घंटा पहनना, ऐसे टाइम बढ़ा सकते हैं उसको पहनने का, लेकिन उसको टाइट ज़्यादा नहीं करना। इतना करके रखना है कि आपका पेट बाहर की तरफ ना निकले। अगर आप इसे पहनते तो वो शेप में आना शुरू हो जाता है। प्लस आपको जो डाइट लेनी है वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट डाइट नहीं है जैसे कि बाकी लोग फॉलो करते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करती। कम खाएंगे तो कमज़ोर भी हो जाएंगे, ये बात याद रखें। आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना है, ऑर्गेनिक खाना है, जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ें। अगर आपके पास ऑप्शन है, आजकल तो टेरेस फार्मिंग भी आ गया, लोग बहुत नए तरीके बता रहे हैं। अगर आपको नहीं मिलता ऑर्गेनिक तो आप टेरेस फार्मिंग कर लीजिए। अगर आपके पास टेरेस है, ऊपर आपकी बालकनी है, तो वहाँ पर कुछ सब्जियाँ आप उगा सकते हैं जो बेल के फॉर्म में होती है, करेला, लौकी, तोरी, ये चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको बाहर से खरीदनी पड़ेंगी, और आजकल बहुत सारे सुपर मार्केट्स में भी होता है कि ऑर्गेनिक चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, मैदे से रिलेटेड कोई भी चीज़, चाहे वो नान हो, रुमाली रोटी हो, बेकरी के कितने भी प्रोडक्ट्स हो, और आपके समोसे, कचौड़ियाँ, पकौड़ी, सारे के सारी चीज़ें मैदे से बनती हैं, तभी इनमें टेस्ट आता है। जो भी आटे से बनी होती हैं उसमें टेस्ट नहीं आता। तो ये चीज़ें आपको 15 डेज में एक बार आप खा सकते हैं। जब आप वेट लूज करने की इस प्रोसीजर में हैं तो आप इसको अवॉइड ही करते हैं, और जब आपका पेट नॉर्मल हो जाए, बिल्कुल शेप में आ जाए आप, तब भी आप इसे सिर्फ 15 डेज में एक बार या महीने में एक बार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपको चावल अवॉइड करने हैं। चावल मैक्सिमम लोगों में कॉन्स्टिपेशन कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स कर देते हैं, और इसकी वजह से आपको कुछ ऐसा बेनिफिट होता भी नहीं है चावल से। आप कभी कभी चावल खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार आप चावल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोटी की बात अगर मैं करूँ तो रोटी आपको जो लेनी है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता रखा है कि रोटी में आपको क्या क्या मिलाना है जिससे फाइबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा रोटी में, तो कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होगा। वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करके देखिए रोटी में क्या क्या मिलाना है। रोटी पूरी पकी होनी चाहिए, कच्ची रोटी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटी कच्ची होगी तो वो डाइजेशन करने में बहुत प्रॉब्लम करेगी आपको, आपको बहुत आपकी जो पाचन क्रिया है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस रोटी को पचाने के लिए, और वो चिपक जाएगी क्योंकि वो कच्ची होगी। अगर वो पकी है तो वो बहुत जल्दी से ग्राइंड हो जाएगी और आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। प्लस आपको लंच में क्या करना है, मॉर्निंग में आप ले सकते हैं अच्छी डाइट जो कि जूसेस वगैरह हैं, पानी है, पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जूसेस आप ले सकते हैं। लंच में जो आप एक टाइम लेंगे वो आप या तो दाल पल्सेस ले लीजिए या फिर सैलेड ले लीजिए, आप रोटी मत खाइए, ठीक है ना। और मॉर्निंग में भी जब आप खा रहे हैं तो आप अच्छा डाइट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा खाना जैसे खाते हैं वैसे आप खाना खा सकते हैं। और लंच के टाइम पे आप पूरा एक सैलड भर के, दाल का एक बाउल भरें और एक सैलड का प्लेट ले लीजिए, या तो दाल खा लीजिए या सैलड। सैलड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आफ्टरनून में सैलड ही खाएं। इससे क्या होगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। आफ्टरनून में खाना खाते, अगर आप ज़्यादा पेट भर के खा लेंगे तो आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आपको आलस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आप 2 घंटे सो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा आपके लिए, डिस्टर्बेंस हो जाएगी आपके वर्क में, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये सैलेड का प्लेट खा लिया है, पूरा भर के प्लेट आपको सैलेड का खाना है, और छोटी कटोरी आप दाल की, पल्सेस की, कोई भी खा लीजिए, रोटी चावल कुछ भी नहीं आपको खाना है। अब क्या होता है, जब हम थोड़ा सा भी खाते हैं आफ्टरनून के टाइम पे, आधा दिन गुजर चुका होता है तो हमें बहुत एकदम से लेजीपन लगता है, बिकॉज जो हमने खाया है वो पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ जाता है, माइंड की तरफ नहीं जाता। अगर उस खाने के बाद में चाहे आपने सैलेड खाया, चाहे दाल खाई, रोटी और चावल नहीं भी खाए, तो भी ऐसा फील होता है, और तो आपको मन करेगा कि आप लेट जाए, बिकॉज़ उस टाइम पे क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल मना कर देता है काम करने के लिए। अगर आप फिर भी ऑफिसेज में जैसे लोग होते हैं काम करने पे लगे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको चिड़चिड़ाहट हो जाती है, इवनिंग तक जब आप आते हैं तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको 15-20 या मैक्सिमम 30 मिनट्स का नैप लेना ही चाहिए जब आप ये लंच कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। रेस्ट करने से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, नैप होती है बहुत अच्छा, आपको एनर्जाइज कर देती है अगर आप नैप लेते हैं तो, और उसके बाद जो काम आप करेंगे उठकर वो बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे उस काम के। आप जो 1 घंटे में करते हैं वो आप आधे घंटे में निपटा देंगे।
अब जहाँ तक की बात आती है डिनर की, तो डिनर तभी कर लेना चाहिए जब आप सोने से 4 घंटे पहले या 3 घंटे पहले का गैप होना ही चाहिए मिनिमम, ठीक है ना, तभी आप डिनर करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 बजे सोना है तो 6, 6:30 या 7 बजे, 7 बजे तक आप डिनर कर लीजिए। प्लस बहुत सारे लोगों का ये टाइम मैनेज नहीं हो पाता, वो देर से आते हैं, टाइम नहीं होता, तो आप उसी हिसाब से फिर खाना भी खाइए। ऐसा नहीं है अगर आप 3 रोटी 4 रोटी खा रहे थे तो आपको एक ही रोटी खानी पड़ेगी, ताकि वो डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाए। जैसे ग्राइंडर में हम कम चीज़ें डालते हैं, बहुत जल्दी ग्राइंड हो जाती है, उसी तरीके से आपको करना है, मैनेज करना है अपना हिसाब, ठीक है ना। अब सोना कैसा है, सोना बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो नींद नहीं आती, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो बॉडी कि चेंजेस की वजह से होता है बहुत से लोगों में। बट जो स्लीप है, अगर आप 8 घंटे की पूरी स्लीप लेते हैं, लोग बोलते हैं ये मिथ है, 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी नहीं है बॉडी के लिए, बट मैक्सिमम लोगों के लिए 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 घंटे की जो स्लीप होती है उसमें मैक्सिमम लोगों का कुछ हो नहीं पाता है। तो बॉडी बॉडी डिफरेंट होती है, किसी के लिए 5 घंटे 4 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं, पर किसी के लिए 8 घंटे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एल्स तो उनकी बॉडी उस तरह से एनर्जाइज नहीं रहती काम करने के लिए जिस तरह से होनी चाहिए। स्टैंडर्ड तो 6 से 8 घंटे है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं 7 से 8, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 8 घंटे अगर आप पूरा स्लीप लेते हैं, टाइम को ढंग से मैनेज करते हैं, तो आप बेहतरीन काम ले सकते हैं अपनी बॉडी से, और बॉडी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और मोटापा स्पेशली स्लीप और स्ट्रेस की वजह से भी ज़्यादा बढ़ता है, तो आपको वॉक भी करना है, आप समझ रहे हैं, जहाँ छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं आप वहाँ पर गाड़ी इस्तेमाल ना करें, आप वहाँ पर वॉक करें। वॉक करने से क्या होगा, आपकी बॉडी टोन होगी, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। और छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे गाड़ी साइकिल ये चीज़ें मत उठाएं, आप वॉक करें जितना हो सके। सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेज करें अपना बॉडी का इस तरीके से कि सुबह आप एटलीस्ट मिनिमम 5 बजे उठ जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वेट लूज़ करने में बेहतरीन रिजल्ट्स आपको आएंगे। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके 6 से 8 गिलास पानी आप ज़रूर पिए। वैसे तो लोग बोलते हैं 8 से 10 गिलास पीना चाहिए, गर्मियाँ आ गई हैं, 8 से 10 गिलास ही पीना चाहिए, बट सर्दियों में भी लोग सोचते हैं पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट है, 5 से 6 गिलास मिनिमम सर्दियों में आप पी लेना चाहिए, और गर्मियों में तो ये क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए, 8, 10 या 12 ग्लासेस आपको पीने चाहिए गर्मियों में जितना हो सके। ये वेट लूज करने का बहुत अच्छा तरीका है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर आते हैं। जब आप ये सारे काम करेंगे, आप देखेंगे जो भी ड्रेस आप पहनते हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत आप पे लगेगी, आपका जो थुलथुलापन है, लटकती बॉडी है, बॉडी भी तभी लटकती है, ये आपकी स्किन लटक जाती है जब आप वेट पुट ऑन करते हैं बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप ये सब कुछ करते हैं, इसमें कॉर्सेट मेन है, कॉर्सेट को आप बहुत देर तक ना पहने, आदत नहीं होती लोगों को, आप परचेज करें, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करें, डाइजेशन अच्छा होगा, पेट अपने आप गंदगी को बाहर निकालेगा, और आप धीरे 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 वेट लूज करते जाएंगे। प्लस जो कॉर्सेट आप पहनेंगे, स्टार्टिंग में आप उसे 15 मिनट्स पहन के देखें, अनकंफर्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे आदत करें, और फिर 30 मिनट्स कर दें, फिर 1 घंटा कर दें, फिर उसको 1 घंटा पहने, 2 घंटा ऐसे ही रहें, फिर 1 घंटा पहने, ऐसे करके आप उसको मैनेज करें। एक साथ नहीं पहनना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये चीज़ करके देखें, 3 मंथ्स मिनिमम है और मैक्सिमम 6 मंथ्स है अगर जिसका बहुत ज़्यादा पेट बाहर है। ये चीज़ें करने से आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा और बॉडी टोन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको यही सारे खाने वाने और ये सब जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसी तरीके से मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए मैं कोई डाइटिंग के लिए आपको नहीं बोलती, बट उल्टा सीधा अगर आप खाएंगे ज़बरदस्ती, हर दूसरे दिन आप पकौड़े खाएंगे, ऑयली खाएंगे, फैटी चीज़ें खाएंगे, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद मना कर देगी। ये बात याद रखें कि जो चीज़ जीभ को अच्छी लगती है, हमारी ज़बान को अच्छी लगती है, वो पेट के लिए अच्छी नहीं होती। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो अच्छा खाना बना रहे हैं, जो फ्रूट्स वाला बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप चाट मसाला हल्का सा डाल लें स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद भी जो फ्रूट्स सैलड्स आप खाते हैं उसमें भी आपको कोई नमक मसाला डालना नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। बट मैं स्टार्टिंग बोल रही हूँ, जिन लोगों को आदत नहीं होती, एकदम से बहुत मुश्किल होता है अडेप्ट करना, ट्राई करें, हो जाएगा अगर आपको वेट लूज करना है तो। और ये बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल है, इस तरह से रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वेट गेन हो रहा है। आप करके देखें,
3 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम 6 मंथ्स में आपका पेट अंदर चला जाएगा, फिर ये डाइट मैनेज करें। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन और वीडियोस मैं आपके पास लेकर आती रहूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस। टेक केयर एंड बाय बाय ब्यूटीफुल पीपल।